सिंध असेंबली जे ते वफाकी एहसाब कानून नेब के वापस करण वारो बिल मंजूर कयो ते ऐवान मां मुखालिफ दर जे बायकॉट ते सरकारी बेंच एमपीएस वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार इतलात वारे वजीर से नासिर शाह एडवोकेट जनरल सिंध ज़मीर गुमरो सन एहतजाज के बिला जवाज करार दिनो मीडिया सा गाल बोल कंदे सूबाई वजीरन जो चवण हो तो नेब कानून मुखालिफन लाइ फायदेमंद थींदो सूबाई असेंबली जो पावर आ जेकरे सूबाई असेंबली मुझे ख्याल में उत्तम आ पार्लियामेंट के कें अड़े इलाके रिपील कर सके थी जो सूबाई सब्जेक्ट से ठाया वो तो असेंबली के पावर्स के असा वधायूं था अपोजिशन भी असेंबली जो पार्ट आ गवर्नमेंट भी असेंबली जो पार्ट आ उनके करे ही इन हाउस जो जै हाउस जो सो पाकिस्तान ठाया वो नैब ऑर्डिनेंस जनरल मुशरफ जो खत्म न तो कर सके फाक जो कानून पाँच इदारन से हलो सूबाई इदारन से न हलो सूबे में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वह चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की है उनमें विफाक मुदाखलत न तो कर सके न विफाक को कानून ठा सके तो मैयस टू कंबाइट करप्शन इज अ प्रोवेंशल सब्जेक्ट 47 का वी प्रोवेंशल सब्जेक्ट आनेको वो आइन में मैयस टू कंबाइट करप्शन से सिर्फ सूबो ही कानून साजी कर सके तो पाँच हदन में बाकी विफाक जो पार्ट आ वो विफाक जो सो उन भली कानून साजी करे वे पाँच डिपार्टमेंट से कर सकता मुल्क टोड़ की शुरुआत तो जनरलन कई जनरल ज़िया कई जनरल मुशरफ कई जै नजरिया जरूरत मुल्क से मुसलित कर असं तो आइन आइन तहत जै आइन तहत फेडरेशन ठहल है अस तो उन्हें सपोर्ट था क्यों जिन मुल्क के तबाह कर फेडरेशन के तबाह कर मुल्क के खिलाफ आ जनरल ज़िया जनरल मुशरफ उ हुआ नजरिया जरूरत जहा हामी अस अज नजरिया जरूरत के असेंबली दफन किया खुशी थे घुर्ज सी सिंध के मानून के पीपुल्स पार्टी युवा पार्टी आ जदें एकड़ो टाइम आयो जदें असाई वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहीद कयो तो नौ देरों में आईंगड़ी खुदा बख्शे मज़ार थे सिंध जे मानुन नारो हयो तो पाकिस्तान न खपे पर असाजे को चेयरमैन पाकिस्तान खपे जो नारो हणी यो साबित करे छड्यो तो असा मोहब वतन आयो नेब ऑर्डिनेंस अड़ा ऑर्डिनेंस घणा ही रिपील थींदा रहंदा इनके खी इशू ठाए तो भाई पाकिस्तान के खिलाफ को सालमियत के खिलाफ का ये तो बाराणी गाल पाँच मिड़ई पे अंदर की भड़ास कटनी है पॉइंट स्कोरिंग करनी है हालांकि फायदो इन इन जो जो हर को विक्टिमाइज पो थे मां समझा तो अस प्रोपोजल यो अस अगत जो कानून आणु पे में असा असेंबली के इम्पावर्ड कंदी अपोजिशन ट्रेजरी बेंच के मेंबर के उन बोर्ड जो मेंबर कंदी तो जी बेहतर फ्री ट्रायल मिले मानन के जो ये गालियों आयन वो बोखलायल ये गालियों कंदा पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा वफाक की गाल कई है पाकिस्तान खपे वारा कदें भी पाकिस्तान टोड़ने की गाल न कंदा हे ये ही जो अगवाण यो चई वो हाँ मेड़ी छाव वी ये गाल पाया वो बोखलायल उन गाल कड़ो जवाब दीजिए नैब जी एतरो ही असरायतो हो जी इल्ज़ाम लगता रहा करप्शन से उ न लगन बो इन सभी उनकी मुखालफत कई है अज जी पीपुल्स पार्टी को कम करे थी पी तो वरी उन गाल में उनके हकदार थी आया तो नैब वारन के असो थोरा तो होजन खे नैब के जी नैब इन लिस्ट डी मुस्लिम लीग एन वन की प्राइम मिनिस्टर साहब बहावलपुर के जलसे में सरेआम उनके दब कटी तो बबा जो तुम ये कद हरकतूँ अस मू तंग कद तो तुम एक्शन खड़ा तो उन्हें कड़ो एक्शन थो तो इो ही निज़ाम आको पसंद नापसंद जो है जैसे कर स्टेप क्योंसि तो इनमें बेहतरी भी अचे यो न हो चौधरी निसारे के चवण से जैसे वणन केस कन पाया बेसिकली 18 अमेंडमेंट के तहत ही प्रोविंशल में अची आया प्रोविंशल जो 18 अमेंड में असांखे जेके कानून ठाणो आहे या कुझु करिणो आहे उहो सिंध प्रोविंशल जो आहे हूअं बि एंटी करप्शन सिंध प्रोविंशल जो 1947 खां हले पियो हीउ त हिकिड़ो मुशरफ आयो मुशरफ जंहिं हुनखे चेंज करे वियो हीउ ॾाढो सुठो क़दम थियो आहे त जेको हिते पंहिंजो हाणे एंटी करप्शन खे वधीक मज़बूत कयो वेंदो इनशाला महीने अंदरि जी ॿियो लाह अची वेंदो ऐं असां नैब खे नैब खां वधीक हिते कमु करे ॾेखारींदासीं उहे त अपोज़िशन वारा त पाण हिन जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदा रहिया आहिनि फारूक सत्तार हुनजो लीडर जेको आहे उहो ॻाल्हाईंदो रहियो आहे उनखों अग में अल्ताफ हुसैन भी इनके खिलाफ़ गलाए चुको उनखों इमरान खान इनके खिलाफ़ गलाए चुको नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत में उनके खिलाफ़ गलाए चुको तो मतलब हाँ कड़े मुँह से वो मुखालफत कन था बी गाल आइन को हटी कर का शे थी कान का एडवोकेट जनरल एंड लॉ मिनिस्टर तफसील से उनको बुधायो तफसील बैकग्राउंड तो हिड़ो आइनी कम थो इख्तियार जो सूबाई असेंबली के मिलो वो उन तहत उन्होंने यहाँ पंजी कार्रवाई मुकम्मल कई है नो लॉ इनेक्ट किया तो जो बेहतर थो जो उन कार्य कानून को बेहतर हो वो अफादियत भी वहाँ वेठो उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी
उन बारहा अदम एतमाद जो इजहार किया शदीद तहफात जहाँ इजहार किया बंद कर भी उन पाँ रिमार्क्स जज फाजिल जज साहब मुख्तलिफ़ वक्त में डींदा रहा मां समझा तो हि लीगल कम थो आईन मुताबिक थो उन पुराने लॉ के बेहतर कंदा वो कें भी तरीके से का अड़ी गाल नी सके जैमें कानून की का भंजगड़ी थी जज जो मुकर फाजिल हाई कोर्टू उन चीफ जस्टिस मुकर कंदा तो मान तो समझा तो इनमें अड़ी खराब गाल बेहतर गाल कानूनी पावर जो असेंबली के मिले लो अठरणी अरणी तरमीम एक्सरसाइज थोड़ा मुखालिफ धुर के अगवान ख्वाजा इजहार हसन जो चवण हो तो खेन कानून से गालण जो इख्तियार भी न दिनों वो सिंध के फुरीदड़ करप्ट हुक्मरान अक्सरियत नाते मुखालिफन के इख्तियार के बिल्डोज कयो सिंध के हुई खपाए छो खाई वह तबाह कर छो जैसे इन खिलाफ नेबन में केस खुलिया तो इन याद आयो है तो 1999 जो जो कानून ऑर्डिनेंस है उनके रिपील करूँ 5 साल तुम फेडरल में हुकूमत कई 8 साल तुम कंटिन्यू हुकूमत कई इतने बादशाह तवान जी रही अज तक याद आयो है तो नेब जो ऑर्डिनेंस के खत्म कर एंटी करप्शन के आंदो वे इन से तो जो तुम वक्त हो उन्हें चोरी को कई हुई करप्शन को कई अज तुम फाटी पाया चोरी कर करप्शन कर सी सिंध के खाई खत्म कर छो हाँ याद आयो तो हाँ केस नेब में खुलने वा तो एहसास रिपेल थे इन कारे कानूनी मुजम्मत था करूँ जी नेब जो कानून जो ही खत्म कर चाहन एक तो फेडरेशन से टकराव में ही अचन था चाहन बो सभी के खबर आँजी करप्शन लिकायण के ला पान के बचाण के ला जो ये कानून आंदो अन हूँ तो 5 साल पा जो है सो फेडरल में वेठा तद उनके यो कानून याद को हो वक्त जैसे इन गले में हथ पे समझन था अस फासंदी तो अड़े किस्म जो कारो कानून आंदो ये कानून ऐसो न कानून आवाम के मुफाद ला हो तो अस इन साथ भी दियण ला तैयार हूँ पर कानून इन करप्ट मानू के बचाव के लिए तो मैं समझाती ये आवाम से ज्यादती है हम एक फेडरेशन है फेडरेशन के लिए ज़रूरी है कि जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं वो मिले जुले रहें और फेडरेशन कायम रखें अब अगर फेडरेशन ने एक लॉ पास किया 1999 में 18 साल हो गए आज उसे क्यों आप ख़त्म कर रहे हैं देखिए ये कब से हुकूमत में थे फेडरल में भी हुकूमत में थे प्रोविंस में भी हुकूमत में हैं क्यों नहीं ख़त्म किया पहले अगर आप समझते थे इन्हें तो चाहिए था कि जिस वक्त ये फुल पावर में थे फेडरेशन में भी और इसको अमेंड करते इसे बेहतर बनाते कि भाई करप्शन मुल्क में ख़त्म करें करप्शन से मुल्क डूब रहा है आपको गरीबों को का आप बेहतर हाल जानते क्या है बेचारे जिंदा लाशें हैं ये जो चल रही हैं भूखे नंगे प्यासे बग़ैर बिजली के कचरे में इतने इतने पानी में तस्वीरें देख के मुझे शर्म आती है ये हम सब ब्यूरोक्रेट्स बंगले बना के बैठे हैं बिल्डिंग्स बना के बैठे हैं कारों में जा रहे हैं इन्हें क्या है रिश्वत ली पैसा लिया खाया पिया चलो वो गरीब तो मर रहा है 95% गरीब जो हैं परेशान हाल हैं कानून थियो असेंबली में जड़े नमूने पास थियो वो तमा माइनॉरिटी के अंडर एस्टिमेट न कयो वने वे भी कें न कें रिप्रेजेंट थियो कन पहली गाल बी गाल या है त जेको कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लॉज 142B आ जैमें सूबन ए विफाक के विच में राबतन जी गाल कई वही आ उन में 142B तो चवे पियो त जदी क्रिमिनल केसेस जी गाल थी अचे तो सूबो भी ठाए सके तो कानून पर जो विफाक ठाए तो पो वो उनके ओवर राइड कंदो उनके वो ख़त्म नथा करे सकन या 18th अमेंडमेंट का पो या उनके उनमें यो उन्हें सब्स्टिट्यूट कयो उनके सब कयो तो हाने बुधायो तो घुमरो साहब सब कुछ उनके बुधायो रुगो यो न बुधायन बया कानून दान सब मरी वया चवण जो मतलब यो आ त इन विच में अजा घणा मरल आन 3 महीना तो अगर गवर्नर साहब रखी इनके वेही रहो उनके असेंट दियणो वो नो दे तो उन वरी असेंबली चंदी तो बाबा ये असें जवाब नो दे अस इनके समझो तो मंजूर थो इन विच में अलग घना मू हलया वा कोर्ट में सो गाल यहाँ है तकड़ छाजी आ ठीक है न तरामीम थन्दून रिपील कानून इलाही चेंजिस इंदून पर उनमें जैक नियत ठीक हुए हाँ
तो तुम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया बेहतरी के लिए मुस्तकबिल के अगते दिसण के लिए तो बाबा इन में ये खराबी आने से रिप्लेस कर यह गाल तो इन्हें कई को बारा तो नियत में रोलो नैब कानून है करप्शन के रोक ला पर ये एतरो सा वक्त गुजरो है इनके याद कराया हाँ जी मेल इन वजीर जे वॉन्टेड थी वन के जमानत अज जो वजीर बिल पास पो कर जमानत है तेखा पो जो वजीर आला है बड़ी जे केस में उनके घुरायो है हाँ यो खत्म करता चाहन जर यो खत्म थो तो यो सौ सीधो चोर वेही कानून ठाए पैं बचा में ठाए वो तो केर चवण वालों ही को फुरे लुटे खाई पी वो तो वो हिस एतो वक्त सिंध के तबाह कर सब इदारा तबाह जर अज भी इन जांच पड़ताल रुक वे तो सुबह मुल्क जो खुदा हाफिज़ बिल्कुल गलत कानून पास कराया इन सिंध असेंबली में यो वफाक के माना खिलाफ़ एकड़ो कानून आ फेडरेशन के खिलाफ़ आड़ो इन कर चौदा करप्शन के हथी दियण है पैं वजीर के बचाण है तो उन अस बिल्कुल एहतजाज किया अड़ा गलत कानून न पास क्या वन जी जिन में तो अगे करप्शन जाम लगे या तो वही करप्शन के खुली छूट आ घट में घट करप्शन के खुली छूट न दी वे घट में घट जो नैब इदारो हो जो डप जो खौफ इन वजीर के मत ऑफिसर के मत हो वो सब खत्म थो हाँ ही खुले आम करप्शन कह कहे चवण वो को एंटी करप्शन कहीं इनके एंटी करप्शन अगे कुछ को एंटी करप्शन में सुधारो तो आनी तो करप्शन थी सिंध अगे तबाह तबाह थी वी एडवोकेट जनरल के करे सिंध के जितनी बार गरीबन के 18 लख में ये समझो 36 खानदान पलजन था उन्हें अची कर पीपल्स पार्टी की चमचाखोरी कई कानून की जदियों रून और कानून का जी गाल सब गलत क्यों समझा तो इनके सपोर्ट दियण इन गाल हलण समझा तो पाकिस्तान वफाक के नुकसान आ तकरार वफाक जो इनको तो है पर करप्शन में मुलवस सी सिंध में तबाह कर को अदारो को बचल हो चाहे वहाँ एजुकेशन के वो हेल्थ के वो को रोड रस्ता दिखो टुटा पा थोड़ी बरसात में ये सब ये करप्शन है इन में पैसों थो तो प्रॉपर तरीके से सिंध की डेवलपमेंट थे को सजो पैसों भी करप्शन में वे हाँ इन उतना खतरो थो भाई हि जो हथ वजा तो असा रोलो तेरे पैंजा ही हुजन जो उन्हीं वा नानी कुरोड़ कर बचा थे उनके वास्ते कानून आंद न 18 साल थे 9 साल पा मर्कज में वेठा हुआ तद उन खराबी नजर न थे आई अज उन खराबी नजर आई जैसे करप्शन उन्हें पदरी थी थे तो ये सब इन वो इन अपोजिशन मुतहद है इंशाल्लाह ताला इनके तोड़ तीन पहुँचाइब एजिटेशन में हर तरह से इनके तोड़ तीन पहुँचा चाहे कोर्ट के जरिए हो चाहे एजिटेशन के जरिए यो कानून तां कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी दिठो तो गलत आंदो वो वफाक से तसादुम किया वफाक में जैसे एकड़ो कानून मौजूद आ और एडे साल यो कानून मौजूद हो तेमल इन इन शी नी हाँ इन यकदम छो लगी आ सी दुनिया की खबर आ तहजा मू नैब में इन्वॉल्व हन नैब में पकड़ियल इलाही इन केसिस था हलन तुम चाहो था अलग कानून ठाए और उन कानून के तहत पाँच मांग के साफ़ सुथरों कर कड़ूँ कई तुझा मिनिस्टर सिटिंग मिनिस्टर इतने वेठा जो नैब जदान जिन्हें नैब में कंके एक्सटेंशन आ कें जमानत सो अड़ो कानून कारो तद ही आंदो वो जैसे पाँच मांग के बचाया वो पाँगी जी करप्शन है उनके लिखा वो सो यो कारो कानून आयो पर इंशाल्लाह ताला बिटे निज़ाम वो कानून वापस वतूँ सजी सिंध इन सिंध में अचान न दिनों सजे मानून इनके रिजेक्ट कर यो कानून भी तुम वापस वो नैब मुखालिफ कानून बिल खिलाफ अपोजिशन ऐवान बाहर एहतजाज कर खुरम शहर जमान नैब बिल वापसी वे बिल के बाहर ही साड़ियों असेंबली के डाकड़ों वेही सिंध हुकूमत खिलाफ सख्त नारेबाजी पिण कई।